तो भाई आप इस फोटो को देखो जिसके अंदर रॉक और सीएम पंक के रिटर्न्स पर WWE ने कितने ज्यादा व्यूज लिए हैं आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो। तो रॉक के रिटर्न पर 7.1 मिलियन एंड सीएम पंक के रिटर्न पर 7.2 मिलियन व्यूअर्स। और यहां से आप देख सकते हो कि सीएम पंक किस लेवल का बंदा है, कितनी तकड़ी फैन फॉलोइंग है इस बंदे की। तो जो बंदे लाइटली ले रहे थे सीएम पंक को, तो आप ये वाला रिकॉर्ड देख लेना एक बार। इसी के साथ साथ रोमन रेंस की रेसलमेनिया 40 को लेकर अपडेट निकल कर आई है, साथ ही साथ रॉयल रंबल में कुछ रिटर्न के बारे में पता चला है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। इनके बारे में काफी लंबे टाइम से न्यूज निकल कर आ रही थी कि ये WWE में रिटर्न आ सकती है, और रिसेंटली ट्रिपल्स ने भी साशा बैंक्स की एक पिक्चर को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्लियर है कि साशा बैंक्स बहुत जल्दी अपना इन रिंग रिटर्न करने वाली है WWE के अंदर। मे बी वो जगह रॉयल रंबल के अंदर एज ए सरप्राइज एंट्रेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि अलेक्सा ब्लिस का जो बेबी है वो इस दुनिया के अंदर आ चुका है। अब अलेक्सा ब्लिस कुछ महीनों में अपनी जो रिकवरी है उसको पूरा कर वापस आ जाएंगी WWE में। तो अलेक्सा ब्लिस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के अंदर शेयर किया है इस फोटो को जिसमें रॉयल रंबल लिखा है। तो यहाँ से आई थिंक अलेक्सा ब्लिस टीज कर रही है कि वो भी 2024 के रॉयल रंबल का पार्ट होने वाली है, और रॉयल रंबल से बेहतर जगह कोई और हो नहीं सकती रिटर्न्स के लिए। तो अलेक्सा ब्लिस के फैंस का वेट बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि WWE ने स्टिल रोमन रेंस के लिए प्लान्स कंफर्म नहीं किए हैं रेसलमेनिया 40 को लेकर। लेकिन रिसेंटली जेरो न्यूज वालों की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उनके अकॉर्डिंगली रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 40 के अंदर सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। मतलब कि रेसलमेनिया 40 से रोमन रेंस एज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ही निकलने वाले हैं, क्योंकि WWE रोमन रेंस से हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़वाना चाहती है जो कि है आई थिंक 1474 दिनों के आसपास है। अगर रेसलमेनिया 40 नहीं तो 41 वो जगह होगी जब रोमन रेंस से उनका टाइटल ड्रॉप करवा सकती है WWE। मतलब भाई रोमन रेंस 2025 तक एज चैंपियन रहने वाले। तो रोमन रेंस के फैंस के लिए तो भाई 4 चैनल लग गए हैं इस न्यूज को सुनकर। बाकी आप भी अपनी थर्ड एम्पायर वाली राय को जरूर शेयर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।